धारने वाली दीदी और दीदी तुम लोग शांति से बैठ सको ना बेटा, कहा है शांति रखो थोड़ो। रज्जो अभी बारिश के टाइम पे ऐसी छुट्टी आने वाली आदत डाल ले। कौन आ रहा है? दीदी आ रही है। चुप बैठा रहा, खेल ले पहले चुप। बहू तेरी उम्र अभी तो ना भाई, जोड़ों का दर्द शुरू होगा तो को। अम्मा हमारी उम्र ही का है, हमारे जोड़न में का दर्द हो। और पिन्नो बड़ा दुख हुआ सुन के कि तेरे कमर में मोच आ गई है। अम्मा मुझे कमर में मोच कभी आ ही नहीं सकती है क्योंकि मैं एक घंटा योगा करती हूँ। अच्छा, जब तुम दोनों ठीक ठाक हो तो हमारे एक सवाल का जवाब दो कि घर में इतना कूड़ा कबाड़ा काय जमा कर रखो है, साफ ना हो सकता है तुमसे? नहीं, कहाँ है कूड़ा अम्मा? अरे सवेरे से हम एक अपनी पुरानी डायरी ढूंढ रहे हैं, घर का कोना कोना छान मारा हमने, लेकिन कबाड़ के अलावा कछु हाथ ना लगो है। हैं? ऐसे लग रहा हो कि घर नहीं है, तुम्हारा मायका है, बिल्कुल कबाड़ खाना। ऐसो है अम्मा, हम घर बहुत साफ सफाई से रखते हैं, ठीक है? अच्छा तो बहू पहले अपनी रसोई में झांक लो, इतनी जो बोतलें और रद्दी सहेज के रखी है ना, बेहतर होगा कि मायके में भेज दे, वैल्यू बढ़ जाएगी उनकी। अम्मा वो काम आते हैं तभी रखी है हमने, ऐसी बात ना है। हाँ? अच्छा वो काम की है, और ये स्टूल टूटा भया इते पड़ो है आड़ा टेढ़ा, और ये जो दुनिया भर की गंदी गोपाल चढ़िया पड़ी है हपुआ की, इनका क्या करोगी? रात को पहन के डिस्को करोगी? अरे अम्मा रज्जो ने साफ सफाई के लिए रखी, वो होजरी का कपड़ा रहता है ना, उससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। देखो तुम दोनों बहने काम करने को राजी ना है, इतना कबाड़ जमा कर रखो है घर में, पता है क्या होता है? इससे दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी दूर जाती है, का सही कह रहे ना? सही बात है, लव यू। अच्छा दादी, अगर हम घर में से कूड़ा हटा दें तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी? हाओ हाओ बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मी और मौसी को गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना। क्यों जी, सही कह रहे ना? लव यू। ठीक है अम्मा, हम समेट दिए आज पूरा, साफ सफाई कर दिए। रहने दो, एक दिन में ना होगा जे कूड़ा कबाड़ा साफ। क्यों जी, सही कह रहे ना? लव यू। ने ऐसे कहाँ घूर रहे हो? अच्छा देखो बच्चों, एक आइडिया है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया। मलाइका। हाँ दादी। तो को के ले यूनिफॉर्म चाहे ना, कराटे के लाने यूनिफॉर्म? हाँ दादी, कब से मांग रही ना, मम्मी से पैसे दे ही नहीं रही। और रणबीरा, तेरी पेटी भी बनवा रही है ना, उसके लाने? हाँ वो तो करानी हैगी। और चमची बेटा, तो को भी नई फ्रॉक चाहिए ना? हाँ हाँ। तो सुनो बच्चों, आज से बल्कि अभी से घर का सारा कूड़ा कबाड़ जमा करो, हम भी मदद करेंगे, और फिर जितना भी कबाड़ा जमा है जाएगा उसको हम बेचेंगे कबाड़ी को, जितने पैसे मिलेंगे वो तुम तीनों में बट जाएंगे। थैंक यू दादी। सही कहा ना जी? लव यू। बेटा चाय बोल फटाफट, बढ़िया वाली अदरक अदरक डलवा। जय हिंद सर। सर इस लिफाफे में क्या है सर? क्या में मनोहर जो समझ लिए कि बस लक्ष्मी मैया आराम कर रही है जामे। मतलब सर? एक बहुत बड़े केस की डील फाइनल भाई, बामे हमें पूरे 5,00,000 रुपया मिले। क्या बात है सर, लेकिन सर लक्ष्मी मैया ज्यादा दिन कृपा नहीं करने वाली। ज्यादा मतलब पैसे हाथ में आओ नैया, टोक पहले लगा दी, नजर लगा रहा हुए। नहीं नहीं सर, कैसे बोलूं जब बात? I'm sorry, हम कितने खुश थे चौकी में आई थी। नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आप ये कैश अपने पास मत रखिए। काय पड़ोसी को दे दें तो खुश हो जाएगा? सारे हमारा पैसा है तो हम ही अपने पास रखेंगे ना।
दान कर गया या भाई? सर ज्यादा उम्मीद रखना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मतलब? क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट से ये खबर आई है कि कानपुर के कई पुलिस वालों के घर पर रेड पड़ने वाली है, वो भी री इन्फोर्समेंट वालों की। नहीं तू इतने कॉन्फिडेंस से जब बात कह रहा हूँ जैसे सारे जो डिपार्टमेंट में तेरू ताऊ वो फूफा विराजमान है। ताऊ नहीं तुम्हारा बाप है, मेरा मतलब मेरा साला वहां पर है। तेरू दूर को सालू बड़े डिपार्टमेंट में काम करते हुए। अरे यार तो तना कमाई सिफारिश कर दे और बोल जो सब कहा है कि इनको लिस्ट से नाम हटा दे, समझ रहा हूँ ना, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ सर, लेकिन उसके लिए उसके घर जाना होगा, और किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाते, कुछ ना कुछ है। तो अगर 2-3 हजार मिल जाए तो मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स और साले के लिए समझ गए ना सर आप? ठीक है, तेरे साले की इतने ज्यादा रेट ले। थैंक यू सर, आपका काम हो जाएगा। और हाँ सर, मैं अपने साले से भी इंफॉर्मेशन निकालते रहूंगा कि किस किस के घर रेड पड़ने वाली है, और मैं आपको भी इंफॉर्म करते रहूंगा। बस सेफर साइड, सेफ्टी के लिए आप ये पैसे अपने पास मत रखिए, किसी और के पास रखवा दीजिए। हम एक काम कर रहे, अपने खास आदमी के पास जी पहुंचा देंगे तब तक जब तक रेड वालू मामला निपट नहीं जाता। थैंक यू सर, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? तुम्हारी तो हमने बात ही ना करी, तुम चवन्नी के भी भरोसे लायक नहीं ना। तुम हमारे कब से खास भैंसू खास बन गए? सारे राहु केतु अलग हमारे दिमाग चाट रहे। कहे सिद्धिक रणबीर तो अपने कमरा में है, तो कौन राहु केतु है? कहे हैं कौन राहु केतु? अरे इनकी बात ना कर रहे हम। कहा आएगा ओके? तुम्हारा मूड ठीक ना लग रहा हुआ है। कहो तो मूड बनाए थे। अबे तो मूड उड़ की बात ना करो, अबे तो ऐसा लग रहा है हमारी खोपड़ी पे पहाड़ टूट गया है। कहे ट्रांसफर हो गए का तुम आओ? अरे ट्रांसफर में तो ऐसा है कि इज्जत से जाती है ना, इज्जत मिलती भी है। अबे ऐसा लग रहा लात मार के कोई निकाल ना दे, सोचो गड़बड़ हो गई। पहले ना बुझाओ, ठीक है साफ साफ बताओ खोपड़िया खराब हो रही है हमारी। आओ एक खबरी है मैंने अभी हमें बताई है कि हर इलाका की मतलब हर एक पुलिस वाले पे घर पे सारो रेट डालेंगे। हमें लग रहा पहलू नंबर हमारे ही ना आ जाए। पागल हो का, तुम्हारे पास कौन सो गड़ो भाव खजाना धरो है घर में? हाँ जो रेट पड़े है कचो नहीं मिले उन्हें, कहे डर रही हो? अभी तक ना तू ना असल में तुम्हें एक सेकंड रोका।